बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आज हम बना रहे हैं आलू मेथी मटर की सब्ज़ी। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा बेसन ड्राई रोस्ट करेंगे और उसको एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम एक देचकी लेंगे। देचकी में हम तकरीबन 6 से 7 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे का 1 चाय का चम्मच डाल देंगे और इसके साथ ही हम सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को फ्राई करना शुरू करेंगे। जैसे ही हमारी चीज़ें फ्राई होना शुरू होंगी, हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। अदरक को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर साथ में बारीक कटा हुआ लहसुन भी शामिल कर देंगे। आप इन दोनों चीज़ों को पीस कर भी डाल सकते हैं और इस तरीके से भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाली हैं। अब इन सब चीज़ों को हम फ्राई करना शुरू करेंगे और साथ ही प्याज भी डाल देंगे। प्याज बारीक कटा होना चाहिए और प्याज को बारीक काटने के बाद हम इसमें शामिल करके फ्राई करना शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारा मसाला फ्राई होना शुरू होगा, हम इसके अंदर छिले हुए मटर 1 प्याली ऐड कर देंगे। मटरों को इस मसाले में ऐड करने के बाद हम इनको भी इनके साथ फ्राई करना शुरू कर देंगे। इस स्टेज पे हम इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद हम इसकी फ्राइंग को जारी रखेंगे। जैसे ही हमारे मटर हल्के से फ्राई हो जाएंगे, हम इसके अंदर कटी हुई धुली हुई मेथी शामिल कर देंगे। मेथी को इसके अंदर शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से फ्राई करना शुरू करेंगे मटरों के साथ। इस तरह हमारी मेथी के अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। जैसे ही पानी थोड़ा कम होगा, हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और साथ में रेड चिली पाउडर भी डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया दोनों शामिल कर देंगे और इसके बाद इस मसाले को आलू मेथी और मटर के साथ भूनना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। हम टमाटर की स्किन रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम इनके इसको टमाटर को इस सब्ज़ी के साथ भूनना शुरू कर देंगे। जब ये दोनों भून जाएंगे, हम आलू सब्ज़ी के सेंटर में रखेंगे। आलू को सब्ज़ी के सेंटर में रखने के बाद हम 1 चाय का चम्मच हल्दी लेंगे और उसको सिर्फ आलू के ऊपर छिड़क देंगे। जब हम आलू के ऊपर हल्दी को छिड़केंगे, हम इसका ढक्कन 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 1 मिनट के बाद हम ढक्कन को रिमूव करेंगे और आलूओं को सब्ज़ी के साथ शामिल करेंगे। इस अमल से मेथी के ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, जो आलूओं के ऊपर भी आएगा। हमने जो बेसन भुना हुआ था, हम वो इसके साथ शामिल करेंगे और इसको भूनना शुरू करेंगे। अब इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। हम इसके अंदर ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे। हम पानी सिर्फ इतना ऐड करेंगे जिससे हमारे आलू और मटर गल सके। इस चीज़ को पानी को डालने के बाद हम इसको ढक कर रख देंगे और हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहेंगे कि हमारा सालन नीचे ना लगे। जैसे ही मेथी घी को रिमूव कर देगी और पानी इसके अंदर से कम हो जाएगा, हमारी मेथी तैयार हो जाएगी। लीजिए, मज़ेदार सब्ज़ी तैयार है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट। अल्लाह हाफिज़।